कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य भी नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सूरत के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिनों की जमानत भी मिल गई। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय भेज देता है तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब कुल 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचती हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हो बोलना उचित नहीं है, और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत।